तीन और तीन वाव कहाँ जा रही हो? खेल कर जाओ ना। अच्छा तो सारी पाबंदियां सिर्फ मेरे लिए? ताबा हमारे लिए ग्रीन टी बना कर लेकर। चलो हम खेलते हैं। मैं भी खेलती हूँ। मैं और जुहे और मीना तुम अकेली। सही। नताशा, कल तुम लोग कहाँ गए थे डिनर पर? अयूबिया गए थे। वाओ कितना मजा आया होगा ना तुम्हें। हमें भी साथ ले जाते। क्यों ले जाते? बिला वजह कबाब में हड्डी बनते तुम लोग। तुम शहरयार के साथ जाया करो। अच्छा नहीं लगता नताशा, अभी तो सिर्फ हमारी मंगनी हुई है, लोग क्या बोलेंगे? उफ पता नहीं किस बुढ़ी की रूह घुस गई है तुम्हें। हद है, कितना फजूल सोचती हो। दूसरों की फिक्र छोड़ो, अपनी लाइफ एंजॉय करो। प्लीज तुम कुछ मिलकर प्लान करो ना, बहुत मजा आएगा। तुम नहीं सुधरोगी। चाय पियोगी? चाय बनाओ। बाजी मेरी बेटी के साथ इस घर में ज्यादती हो रही है। क्यों, अब क्या हो गया? सुहेर उसे फोर्स कर रहा है कि वो ताबा से माफी मांगे। अब समझाया मैंने जुहेर को। आपके समझाने से क्या फायदा हो रहा है बाजी? मुझे तो इस ताबा को लेकर दिल में तरह तरह के वसवसे आ रहे हैं। क्या मतलब? ये ताबा बहुत अजीब सी लड़की है। ये जो दिखती है ना वो हरगिज नहीं है। मुझे सिर्फ डर इस बात का है कि कहीं इसकी वजह से हमारे बच्चों की जिंदगी में तूफान ना आ जाए। नायमा अपने दिल में वहम मत पालो। अरे शुक्र है अल्लाह का कि नताशा जुहेर के दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रही है। कल दोनों डिनर पर गए हुए थे। शुक्र है अल्लाह का जुहेर के दिल में जो बर्फ जमी हुई थी ना वो पिघलने के असबाब पैदा हो रहे हैं। मगर बाजी ये सोचने वाली बात नहीं है कि नताशा के ऊपर चाय गिरी, कपड़े उसके खराब हुए, दिल उसका दुखा, लेकिन जुहेर ने ताबा को एक लफ्ज तक नहीं कहा, उल्टा अपना ही हाथ जख्मी कर लिया। ये सोचने वाली बात है या नहीं है? अरे क्यों दिमाग के घोड़े चला रही हो? अरे बच्चों को एक दूसरे को एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा, ये तो नेचुरल बात है ना। अरे शुक्र करो अल्लाह का और दुआ करो इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। अभी तक तो सारे हालात हमारे हक में है ना, आगे भी होगा। हाँ फिक्र मत करो। शायद आप ठीक कह रही हैं।